बीमारी ने हर किसी को रोटी खाने तक को मोहताज बना दिया। फिल्म इंडस्ट्री का इतना बुरा हाल हुआ कि लोग तड़प तड़प कर जान गंवा चुके हैं। हाल ही में आपने देखा, एक्टर शगुफ्ता अली ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई थी। बीमारी काल में शगुफ्ता को काम मिलना बंद हुआ और वो डिप्रेशन में आकर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का भी शिकार हो गई थी। एक्ट्रेस पैसों की तंगी के चलते कैंसर का इलाज भी नहीं करा पाई। उसके बाद बिग बॉस फेम जल्लाद यानी बाबा खान भी आर्थिक तंगी को लेकर दर्द बयां कर चुके हैं और अब जोधा अकबर फेम एक्ट्रेस लोकेंद्र सिंह ने हार ही मान ली। जी हाँ, लोकेंद्र सिंह तड़प तड़प कर मौत मांग रहे हैं क्योंकि एक पैर खो देने के बाद एक्टर बिल्कुल बेबस हो चुका है। एक्टर की जिंदगी में रोने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है क्योंकि एक पैर गंवाने के बाद अब तो एक्ट्रेस को इंडस्ट्री में काम मिलना भी मुश्किल बताया जा रहा है। पैसों की तंगी की वजह से एक्टर ने अपनी डायबिटीज पर ध्यान ही नहीं दिया था। लोकेंद्र सिंह ने कहा कि हाई लेवल स्ट्रेस के कारण पिछले सप्ताह उनका पैर काट दिया गया था जिसने उनके ब्लड शुगर का खतरा बढ़ा दिया था। एक्टर ने कहा वो कुछ नहीं कर सके और ना आप कुछ कर सकते हैं। एक्टर ने बताया उसकी कई लोगों ने पैसों से मदद तो की लेकिन तब तक इलाज के लिए बहुत देर हो चुकी थी। जब तक एक्टर ने इलाज के लिए पैसों का इंतजाम किया तब तक डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और एक्टर को अपना पैर कटवाना ही पड़ा। एक्टर अपनी बेहाली को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। उन्होंने बताया कि ये सब तब शुरू हुआ जब उनके पैर में कॉर्न बढ़ने लगा था। एक्टर ने बताया कि कैसे उनकी ये बीमारी बोन मैरो तक फैल गई थी। उन्होंने कहा कि पैर में दिक्कत होना शुरू हो गई और मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। इसका इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते मेरे बोन मैरो में फैल गया और कुछ ही समय में मेरे शरीर में फैलने लगा। मेरे पैर में ग्रैग्रीन डेवलप होने लगा। ऐसे में खुद को बचाने का केवल एक ही तरीका बचा था, घुटने तक के पैर को काट देना। एक्टर ने बताया कि 10 साल पहले जब उन्हें डायबिटीज हुई थी तब उन्हें किस तरह से इसका ध्यान रखना चाहिए था। उन्होंने कहा कि स्टार्स के पास अक्सर शूटिंग के समय कोई निश्चित समय नहीं होता, ना ही उनके खाने पीने का कोई टाइम होता है। इस वजह से उनकी डायबिटीज और ज्यादा बढ़ गई। टीवी के कुछ रियलिटी शोज टीआरपी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अपने शोज में गरीब कंटेस्टेंट या फिर कुछ ऐसे स्टार्स को बुलाएंगे जो आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और फिर वहीं कैमरे के सामने पैसे देकर खुद को दानी दिखाएंगे। ऐसा हम नहीं बल्कि इन रियलिटी शोज के दर्शक कह रहे हैं। जब डांस दीवाने शो पर आज एक स्टार्स को जज की तरफ से 5 लाख रुपए दिए गए तो फिर से सोशल मीडिया पर बखेड़ा खड़ा हो गया। जी हाँ, डांस दीवाने शो के जज ने भी वही काम किया जो इंडियन आइडल की जज नेहा कक्कर करती थी। नेहा कक्कर भी अब तक ना जाने कितने गरीबों के लिए मसीहा बन चुकी हैं। गरीबों की मदद के लिए वो हमेशा आगे आती हैं और अपने सेट पर पिच और अपने शो में बुलाकर उन्हें पैसों से मदद करती हैं। और आखिरी बार नेहा कक्कर को गीतकार संतोष आनंद की 5 लाख रुपए की मदद करते देखा गया था। उसके बाद से नेहा कक्कर काफी ज्यादा ट्रोल हुई थी। उसके बाद से नेहा कक्कर शायद किसी की कैमरे के सामने मदद नहीं करती देखी गई। और अब माधुरी दीक्षित ने एक्ट्रेस शगुफ्ता अली को 5 लाख रुपए दिए तो फिर से वही मुद्दा उठ गया कि आखिर ये स्टार्स कैमरे के सामने मदद करके क्या दिखाना चाहते हैं? ये अपने शो की टीआरपी के लिए किसी की भी फीलिंग से खिलवाड़ करते हैं। कुछ लोगों ने ये तक कहा कि नेहा कक्कर आप कहाँ गई हो, क्या बॉबी शगुफ्ता की मदद करेंगी? माधुरी के साथ लोगों ने नेहा का भी नाम लेना शुरू कर दिया कि क्या नेहा को अब शगुफ्ता की हालत देखकर रोना नहीं आ रहा है। वैसे तो वो हर एपिसोड में रोकर दिखाती हैं। याद हो आपको हाल ही में शो के जज के रोने पर भी खूब बखेड़ा खड़ा हुआ था कि अब शगुफ्ता की मदद को लेकर दोनों शो चर्चा में आ गए। टीवी शो डांस दीवाने 3 एंटरटेनमेंट का हाई डोज दे रहा है। अपकमिंग एपिसोड भी धमाकेदार होने वाला है। शो में कुछ इमोशनल पल भी देखने को मिलेंगे। अनिल कपूर, फरहान अख्तर, मृणाल ठाकुर और खतरों के खिलाड़ी 11 के होस्ट रोहित शेट्टी शो में पहुंचने वाले हैं। एक्टर शगुफ्ता अली भी शो में स्पेशल अपीयरेंस दिखेंगी। इस बार शो में डांस के साथ साथ मस्ती धमाल भी देखने को मिलेगा, साथ ही कुछ इमोशनल पल भी। अब शो का एक प्रोमो आया है जिसमें शगुफ्ता अली एंट्री लेती दिख रही हैं। होस्ट हर्ष लिम्बाचिया कहते हैं कि शगुफ्ता मैम, हमने आपका एक आर्टिकल पढ़ा था जिसे देखकर हमें बहुत दुख हुआ था। इस पर शगुफ्ता बोलती हैं, पिछले 36 सालों में से 32 साल बहुत बेहतरीन गुजरे, बहुत स्ट्रगल किया, खूब काम किया, फैमिली को भी संभाला और 4 साल पहले बहुत से ऑडियंस हुए लेकिन कुछ काम नहीं हुआ और इसी बीच वो डायबिटीज का शिकार हो गई। पैरों और आंखों पर बुरा असर पड़ा, दोनों ने उनका साथ छोड़ दिया। ये 4 साल की तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, ये इंडस्ट्री मेरा घर है,
लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद तो एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित स्टेज पर आकर कहती हैं, आपने कहा कि आपके पास बेचने के लिए कुछ नहीं रहा, अब आपकी स्थिति में हम डांस दीवाने और पूरी टीम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि डांस दीवाने की टीम की तरफ से आप 5 लाख रुपए का चेक एक्सेप्ट करें। इसके बाद शगुफ्ता अली काफी इमोशनल हो जाती हैं। बता दें शगुफ्ता अली ने हाल ही में अपने फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में भी बात की थी, जिसके बाद से वो खबरों में बनी हुई है। डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने भी उनकी मदद की। शगुफ्ता अली बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस रही हैं। वो पिछले 36 सालों से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। हालांकि गुजरे 4 साल उनके लिए दुख भरे रहे। इन 4 सालों में शगुफ्ता बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर चुकी हैं। तमाम ऑडिशन के बावजूद काम नहीं मिल पाने के कारण वो घर पर रहीं और इस दौरान वो बीमारियों का शिकार हो गईं। उनके पैरों और आंखों पर बुरा असर पड़ा। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि उनके पास ना तो इलाज के लिए पैसे बचे और ना ही खाने के लिए। लॉकडाउन के कहर ने कई लोगों से उनका काम छीन लिया। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के मजदूरों से लेकर शोज में काम करने वाले कई एक्टर्स से उनकी रोजी रोटी छीन ली गई। बीते दिनों शगुफ्ता अली ने खुलासा किया था कि उनके पास कोई काम नहीं है और कैंसर के इलाज के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं। वो इस बीमारी से भी जंग हार चुकी हैं और अब बस भगवान के भरोसे ही हैं। जिसके बाद कई फिल्मी और टीवी सितारों ने उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। अब ऐसा ही कुछ बावा खान के साथ हुआ है। वो सलमान खान के शो बिग बॉस में जल्लाद के रूप में नजर आए थे। एक बातचीत के दौरान बावा खान ने अपनी दास्तां सुनाई। बावा खान का कहना है कि वो लगभग 15 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। बावा ने बताया कि पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, उनके पास काम की कमी नहीं थी और पैसे भी खूब हो रहे थे, लेकिन अब हालात पहले की तरह नहीं रहे, ना ही काम मिला और ना ही अब उनके पास पैसे बचे। बता दें सलमान खान के साथ कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं बावा, जिसमें वॉन्टेड, बॉडीगार्ड, वीर और जाने मन जैसी कई फिल्में शामिल हैं। बाबा कहते हैं कि मैंने भाईजान के साथ भी काम किया है और अमिताभ बच्चन के साथ भी डिपार्टमेंट में काम किया है, आर राजकुमार में काम किया है, रवि किशन के साथ भोजपुरी फिल्म ज्वाला मंडी में भी काम किया है, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है मेरे पास काम ही नहीं है। मैंने काम नहीं होने के कारण बहुत कुछ झेला है। बाबा आगे कहते हैं, मुझे किसी की कोई आर्थिक मदद नहीं चाहिए, बस काम चाहिए। मैं हर दिन काम की तलाश में घर से निकलता हूं, लेकिन कोई मुझे काम नहीं देता है और खाली हाथ ही घर लौटना पड़ता है। मैंने फिल्मों में सिर्फ नेगेटिव रोल किए हैं, इसलिए मेरी एक इमेज बन गई है। मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर से अपील करता हूं कि प्लीज मुझे काम दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाबा खान की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी है, वो सड़कों पर बुरी हालत में घूम रहे हैं और उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है। बाबा खान ने बताया कि उनके परिवार में 8 लोग हैं, सभी एक साथ एक किराए के घर में रहते हैं। काम नहीं मिल पाने के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। बता दें बाबा खान ने बिग बॉस में जल्लाद का किरदार निभाया था। वीकेंड का बार में सलमान खान अक्सर उनके साथ मस्ती करते दिखाई देते थे, जबकि जल्लाद कभी हंसता नहीं है। बाद में जब चिंतन गगर ने शो छोड़ दिया, तब बाबा खान को ये रोल दिया गया। बाबा खान को काम की तलाश है। कई अगस्त महीने में बिग बॉस OTT के भी शुरू होने की खबर है। इस बार बिग बॉस 15-6 महीने तक चलेगा। पिछले 6 हफ्तों तक शो में कॉमनर्स होंगे और इसे OTT प्लेटफॉर्म बूट पर टेलीकास्ट किया जाएगा, जबकि बाद में इसमें सेलिब्रिटी शामिल होंगे और फिर ये TV पर बिग बॉस 15 के रूप में प्रीमियर होगा। उम्मीद यही है कि बाबा खान को एक बार फिर जल्लाद का रोल मिल जाएगा।